बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक ऐसे दिग्गज अभिनेता मौजूद हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन इन अभिनेताओं में कई ऐसे हीरो के बेटे हैं जो उनकी तरह अभिनेता नहीं बन पाए, जबकि उनके बेटे दिखने में बहुत ही हैंडसम भी हैं। वेल, जिनमें सबसे पहला नाम आता है गोविंदा का। 90 के दशक के सुपरस्टार अभिनेता गोविंदा साल 1986 से फिल्म में काम करना शुरू किए थे। उन्होंने अपने करियर में बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी। बता दें, गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने बॉलीवुड में एंट्री कर ली है, लेकिन उनके बेटे यशवर्धन आहूजा अभी तक बॉलीवुड में एंट्री नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा डैनी भी हैं। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता डैनी अपने करियर में लगभग 220 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से अधिकतर बॉलीवुड फिल्में मौजूद हैं। बता दें, डैनी के बेटे का नाम रिंगजिंग है, जो कि अपने पापा की तरह ही स्टाइलिस्ट और हैंडसम दिखते हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनका कोई भी नाम नहीं है। आगे बढ़ें तो बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने पूरी दुनिया में एक बड़ी पहचान बनाई। बता दें, बॉलीवुड फिल्म अभिनेता आमिर खान के बेटे का नाम जुनैद खान है। जुनैद खान दिखने में बेहद स्टाइलिस्ट और हैंडसम है। अभी तक आमिर खान ने जुनैद खान को बॉलीवुड में लॉन्च नहीं किया है। इसके अलावा बात करें तो सैफ अली खान के बेटे भी। जी हां, बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सैफ अली खान अपने करियर में काफ़ी सफल फिल्में कर चुके हैं। हालांकि उनकी फिल्में बड़ी संख्या में असफल भी रही। सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनका एक बड़ा बेटा है जिनका नाम इब्राहिम अली खान है, और वो बॉलीवुड में पर्दे पर तो नज़र नहीं आए हैं। इसके अलावा बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा भी इसमें मौजूद हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड में अपना करियर पूरी तरीके से जमा चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि उनके दो बेटे हैं जिनका नाम लव सिन्हा और कुश सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उनका बेटा कुश हैंडसम होने के बावजूद भी उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री नहीं की है। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।